भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। ये उनका एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधायी अधिकार मतलब लेजिस्लेटिव पावर है, और राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग तब करते हैं जब उनको यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जब तत्काल कानून बनाए जाने की आवश्यकता है और संसद सत्र में नहीं है। मतलब ये कि संसद का जब सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को किसी विषय पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हो तो वो अध्यादेश के द्वारा कानून का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर दो बातें और स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहला तो ये कि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए, राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए का मतलब ये नहीं है कि उनका सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। शुरुआती दौर में राष्ट्रपति का पर्सनल जो सेटिस्फैक्शन था वो न्यायालय में चुनौती के योग्य नहीं था, लेकिन 1970 में जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित मामले सामने आने लगे तो एक सर्वोच्च न्यायालय में केस आया था कपूर वर्सेस इंडियन यूनियन, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के इस अधिकार को इस आधार पर कि अगर ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है, मतलब कि मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किया गया है, तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। बाद में कोर्ट के इस निर्णय को इनफेक्टिव या निष्प्रभावी बनाने के लिए भारत के संविधान में 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में 38वां संशोधन किया गया था, और उसके द्वारा यह व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समाधान या व्यक्तिगत रूप से विश्वास हो जाना की स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ, और ये काम हुआ था जनता पार्टी की सरकार के समय में, और वहां से वापस कपूर वर्सेस यूनियन, जो इंडियन यूनियन का निर्णय था जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, उसी निर्णय को वापस आज भी लागू किया गया। मतलब अगर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। खैर, ये उनका जो विश्वास होने वाली बात थी उसको हमने बताया। साथ ही संसद का सत्र नहीं चल रहा हो का मतलब यह है कि अगर संसद का कोई एक भी सत्र नहीं चल रहा हो तब भी अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। ऐसा इस कारण से क्योंकि अध्यादेश कानून होता है और कानून को पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों में विधेयक का पारित होना आवश्यक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक सदन भी सत्र में नहीं है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश के तहत राष्ट्रपति उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन विषयों पर संसद को ये अधिकार होता है। साथ ही अध्यादेश का प्रभाव भी वही होता है जो संसद के द्वारा पारित किसी कानून का होता है। लेकिन राष्ट्रपति वैसे किसी विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं जिस पर कि संसद को अधिकार नहीं है। जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में इस बात का प्रावधान किया गया है, उल्लेख किया गया है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को कम करती हो, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। साथ ही अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। तो खैर, अध्यादेश की जो प्रकृति होती है वो थोड़े समय के लिए होती है, टेम्पररी होता है इसका नेचर। लेकिन अगर संसद का सत्र दोबारा बैठता है, फिर से सत्र प्रारंभ होती है, और सत्र प्रारंभ होने के बाद दोनों सदनों में अगर ये 6 सप्ताह के अंदर पारित हो जाता है तो ये फिर नियमित कानून का रूप धारण कर लेता है। इस 6 सप्ताह के पहले भी संसद के दोनों सदन इस तरह का कोई प्रस्ताव या रेजोल्यूशन पारित करके इसको खारिज कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है कि वो जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। तो अध्यादेश राष्ट्रपति के हाथ में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अधिकार होता है जिसका प्रयोग वो देश की आवश्यकता अनुसार निश्चित तौर पर करते हैं।